गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 8.3। फ्रैक्शन हम कर रहे हैं। फ्रैक्शन में हमने क्या किया, हाउ वी फाइंड द एलसीएम ऑफ एनी नंबर, कैसे आप एलसीएम फाइंड आउट करते हो, आपके कितने टाइप्स की फ्रैक्शंस हैं, आप उनको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हो, कौन कौन से फ्रैक्शन किए आपने, लाइक अनलाइक प्रॉपर इम्प्रॉपर यूनिट फ्रैक्शन एंड लास्ट वन इज मिक्स फ्रैक्शन। सो इन फ्रैक्शंस को आप रिड्यूस कैसे करते हो लोवेस्ट फॉर्म में एंड एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हो, आफ्टर दैट हाउ कैन यू फाइंड द लास्ट, हाउ कैन यू कंपेयर द फ्रैक्शंस एंड हाउ कैन यू आफ्टर कंपेयरिंग अरेंज इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, ये हमने किया। अब नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइज 8.3, इसमें हमने क्या करना है, हाउ वी एड एंड सब्ट्रैक्ट द फ्रैक्शंस। सब्ट्रैक्ट और एड करने के लिए फ्रैक्शंस का हमारे पास मेथड क्या, सेम जैसे हम लोवेस्ट फॉर्म में सॉरी असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते थे, तो हम क्या करते थे, फर्स्टली उसको कन्वर्ट करते थे इनटू द लाइक फ्रैक्शन, जो हमने लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया उसके बाद हम अरेंज करते थे, तो सेम मेथड भी यूज है। जब आप एड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे तो सेम आपको फर्स्टली क्या करना पड़ेगा, उसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो हेयर ऑलरेडी वी हैव गिवन द क्वेश्चन फर्स्ट इन द लाइक फ्रैक्शन, जितने भी फ्रैक्शंस आपको गिवन है, जिन नंबर्स को आपको ऐड करना है, वो ऑलरेडी क्या है, सारी आपकी लाइक फ्रैक्शंस हैं। तो लाइक फ्रैक्शन जब आपको गिवन है तो आप डायरेक्ट कैसे ऐड करोगे, हेयर डिनोमिनेटर्स आर सेम, अगर आपके डिनोमिनेटर सेम है तो आपका एलसीएम क्या आएगा, सेम नंबर 9, देन न्यूमिरेटर्स रिमेन्स द सेम, तो आपके न्यूमिरेटर्स भी क्या हो जाएंगे, सेम रह जाएंगे, 4+2 4+2 क्या आएगा आपका 6/9 आ गया। तो अगर आपको लाइक फ्रैक्शन गिवन है तो आप डायरेक्ट उसको ऐड कर दोगे डिनोमिनेटर को सेम रख के, क्योंकि आपका एलसीएम क्या आएगा, अगर दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो आपका एलसीएम भी वही नंबर हो जाएगा। सो उसके बाद को आपको क्या करना है, एड द फॉलोइंग, आपने एड कर दिया एंड रिड्यूस टू द लोवेस्ट टर्म, मीन्स अब क्या करना है, जो फ्रैक्शन अगर हमारी आई है, अगर वो फ्रैक्शन हमारे उससे लोवेस्ट टर्म में रिड्यूस हो रही है तो आपको उसको लोवेस्ट टर्म में रिड्यूस करना है। तो लोवेस्ट टर्म में रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते थे, डिनोमिनेटर एंड न्यूमिरेटर जो दो नंबर गिवन है 6 और 9, अगर उसका हमारा एलसीएम आ रहा है, हम उसमें से फैक्टर्स निकालते हैं, अगर उसका कोई फैक्टर कॉमन आ रहा है तो उस कॉमन फैक्टर से हम क्या करते थे, उसको डिवाइड करते थे। तो 6 और 9 क्या दोनों नंबर किसी सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, सेम नंबर की टेबल में आ रहे हैं दोनों 6 और 9, आपको 6 और 9 देखने से याद आ रहा होगा, यस ये आपके 3 की टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो हम इसमें क्या निकालते थे, उसका एचसीएफ निकालते थे, 6 और 9 का एचसीएफ निकालते थे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब हमारा एचसीएफ क्या आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है। तो हेयर व्हेन वी रिड्यूस वी डिवाइड बोथ बाय डिवाइडिंग बोथ न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 3, रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 3, हमने क्या करना है, दोनों को 3 से डिवाइड करना है, 6/9 3 से डिवाइड किया, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2, 3, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 3। तो हमारी यहाँ पे क्या आ गई, लास्ट में प्रॉपर फ्रैक्शन में ये कन्वर्ट होगी 2/3, 2/3 क्या है हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन आई है, अब इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है, तो ये हमारी क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई इंटू लोवेस्ट टर्म। मीन्स अगर हमारा यहाँ पे एचसीएफ 1 से ग्रेटर कोई नंबर आ रहा है, 1 को छोड़ के, बिकॉज 1 इज द एचसीएफ ऑफ एवरी नंबर, अगर 1 को छोड़ के दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है तो आप उस कॉमन नंबर से इसको डिवाइड करके क्या करोगे, लोवेस्ट टर्म में रिड्यूस कर दोगे। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी एक्सरसाइज 8.1 में किए हुए हैं, हाउ वी रिड्यूस द फ्रैक्शन इनटू लोवेस्ट टर्म। सो आपको ये इफ यू वॉन्ट टू राइट, अगर आप ये लिखना चाहते हो तो ये लाइन लिख सकते हो, अदरवाइज यू कैन डायरेक्ट डिवाइड हेयर विद नंबर 3 एंड फाइंड द आंसर। नेक्स्ट है आपका नंबर
like fraction, denominators are same. So our LCM is 4. So 1 plus 3, यहां पे क्या आ गया आपका 4 by 4 means अब क्या है दोनों number 4 से divisible है. तो here you can direct divide the number with 4. 4 को आपने 4 से divide किया, क्या आ गया आपका 1 by 1 means fraction क्या आ गई आपकी reduce होके last में complete एक whole number में ये convert हो गई. Clear? Next है आपका denominator is 11. So LCM is also 11 here. 5 plus 2 is equal to add this 7 by 11. और 7 by 11 दोनों क्या है prime numbers है, इनमें कोई भी HCF क्या है इसका common factor नहीं निकल रहा है 1 को छोड़ के. So ये आपका number ऐसे ही रह जाएगा, ये reduce नहीं होगा, already lowest form में reduce है. So next है आपका 12. 5 plus 9 here 14 divided by 12. अब यहाँ पे क्या है, दोनों क्या है इवन नंबर्स है, इवन नंबर है तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 आएगा. सो यू डिवाइड दिस नंबर विद 2. आप बोथ न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर को क्या करोगे 2 से डिवाइड करोगे. सो हियर 7 एंड डाउन साइड इट इज 6. सो 7 बाय 6 आ गया आपका. अब इसमें कुछ भी आपका कॉमन नहीं आ रहा है. सो दिस इज आवर आंसर राइट हियर इन लास्ट आवर आंसर इज 7 by 6. Next, again, now three fractions are given, and these are the like fractions. The denominator is the same, number 5. Then numerator also remains the same, 3 plus 2 plus 4. Then 3 plus 2, 5. 5 plus 4, 9. 9 by 5 आ गया आपका. 9 और 5 ऐसे numbers हैं जिनका कोई भी highest common factor नहीं आता 1 को छोड़ के. तो our answer remains the same, 9 by 5. नेक्स्ट है आपका 1 by 8 एंड 5 by 8. जब आप इसको ऐड करोगे तो क्या जाएगा 1 plus 5. 1 plus 5 is 6 by 8. अगेन अब 6 और 8 क्या आ रहे हैं, दो इवन नंबर आ रहे हैं और इवन नंबर्स में कॉमन क्या आएगा नंबर 2. सो हम यहां पे क्या करेंगे 6 by 8 को हम 2 से डिवाइड करेंगे. 6 को जब 2 से डिवाइड करेंगे न्यूमिरेटर इज 3 एंड 8 को 2 से डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर इज 4. तो 3 4 by 4 हमारा क्या आ गया लोवेस्ट टर्म आ गई. सो आवर आंसर इज 3 by 4. सो इन दिस वे ऐड द सम्स ऑफ फ्रैक्शन. और आप सबट्रैक्शन वाले सम भी क्या करोगे सेम मेथड आप यूज करोगे. उसमें क्या आपका सबट्रैक्शन के प्लस पे क्या एडिशन के प्लस प्लेस पे क्या आएगा आपका सबट्रैक्शन आ जाएगा ओनली. सो सबट्रैक्शन भी आपका क्या होगा सेम होगा फॉर द लाइक फ्रैक्शन ओनली. जहां पे आपको लाइक फ्रैक्शन गिवन है तो आप डायरेक्ट ऐसे ही सबट्रैक्ट करोगे. सो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. सो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट है आपका सबट्रैक्ट द फॉलोइंग. क्वेश्चन 2 है आपका सबट्रैक्ट द फॉलोइंग एंड रिड्यूस टू द लोवेस्ट टर्म. मींस हमें क्या करना है जो फ्रैक्शन हमें गिवन है उसको सबट्रैक्ट करना है. फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा ऐड करने का. अगेन वी हैव गिवन द लाइक फ्रैक्शन ओनली, लाइक फ्रैक्शंस गिवन है देन यू कैन डायरेक्ट सबट्रैक्ट द नंबर्स बिकॉज आपका डिनोमिनेटर क्या रहेगा सेम रहेगा एंड न्यूमिरेटर्स ऑल्सो सेम. सिर्फ आपको क्या करना है उसको एज अ एलसीएफ लिखना है. जब हम फ्रैक्शन को कंबाइन करके लिखते हैं तो हमारा क्या हो जाता है वहां पे एलसीएम आ जाता है. यहाँ पे हम 12 को बोलेंगे this is the LCM of both denominators. So 7 by 5, 7 minus 5 is 2, 2 by 12. अब अगेन हमें क्या करना है रिड्यूस टू द लोवेस्ट टर्म. लोवेस्ट टर्म में रिड्यूस करना है उसके लिए हम क्या करेंगे वी डिवाइड द नंबर विद देयर HCF. अब यहाँ पे हमारा HCF क्या है नंबर 2 बिकॉज दीज आर द इवन नंबर्स डिविजिबल बाय 2. तो हमने इसको डिवाइड किया तो 1 बाय 6. तो हमारा आंसर आ गया इसका 1 बाय 6. नेक्स्ट है 5 by 9, 2 by 9. सो हियर 9 इज द LCM. देन न्यूमिरेटर में आपका क्या आएगा 5 माइनस 2. 5 माइनस 2 क्या होता है आपका 3. 3 by 9. अब हमारा न्यूमिरेटर 3 है डिनोमिनेटर 9 है. बोथ नंबर आर डिविजिबल बाय द नंबर 3. 3 से डिविजिबल है सो डिवाइड इट. 3 बन जा 3. 3 3 जा 9. आंसर आ गया हमारा 1 by 3. नेक्स्ट है 11 by 15, 1 by 15.
अगेन आवर डिनोमिनेटर इज सेम, सो एलसीएम आ गया आपका 50, सो 11 माइनस 1 आपका क्या आएगा 10 डिवाइड बाय 15. अब 10 और 15 क्या है, बोथ आर डिविजिबल बाय द नंबर 5, सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों नंबर्स को न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर को दोनों को क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, 5 टू द 10 एंड 5 थ्री द 15, रिड्यूस हो गया आपका लोवेस्ट टर्म में. नेक्स्ट अगेन 16, 13 माइनस 5 इज 8, सो 8 बाय 16. अब यहां पे रिड्यूस करेंगे तो क्या है 8 कॉमन आ रहा है, सो डिवाइडेड विद नंबर 8, सो 8 बन जा 8 एंड 8 टू द 16, हमने रिड्यूस किया तो क्या आ गया आंसर 1/2. सो हमारा लोवेस्ट टर्म में रिड्यूस भी हो गया, सब्ट्रैक्ट भी हो गया. एडिशन और सब्ट्रैक्शन अगर आपको लाइक फ्रैक्शन का करना है तो लाइक फ्रैक्शन में आप डायरेक्ट एलसीएम आपका डिनोमिनेटर ही आ जाएगा और उसके बाद आप उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे. फिर आप कॉमन नंबर फाइंड आउट करोगे कि दोनों में अगर कोई कॉमन आ रहा है फैक्टर, मींस अगर उसका एचसीएफ 1 को छोड़ के कोई और नंबर आ रहा है तो आप उससे एचसीएफ से बोथ न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करोगे तो आपका जो फ्रैक्शन है वो लोवेस्ट टर्म में रिड्यूस हो जाएगी. सो दिस इज आवर क्वेश्चन 2. सो 8.3 टू क्वेश्चंस वी हैव डिस्कस्ड, फर्स्ट था आपका ऐड, सेकंड था आपका सब्ट्रैक्शन और दोनों में क्या था लाइक फ्रैक्शंस गिवन थे, तो आपने लाइक फ्रैक्शंस का एडिशन सब्ट्रैक्शन आज सीखा है. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे जिसमें हम सीखेंगे हाउ टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द अनलाइक फ्रैक्शंस. सो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स.